चिंता, डर और घबराहट ये सबको होता है। चलो तो इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। चिंता मतलब एंग्जाइटी, डर मतलब फियर, घबराहट मतलब रेस्टलेसनेस, बेचैनी, ये सबको होता है। किसको कम होता है, किसको ज्यादा होता है। जब बहुत ही ज्यादा होता है तो उनको साइकेट्रिस्ट की तरफ जाके उनका इलाज करना होता है, और वो इलाज करना ही अच्छा है। मगर बाकी भी ऑर्डिनरी आम जनता को चिंता, डर, घबराहट होती है, और ये छोटी छोटी बात के ऊपर होती है। जैसा घर में बच्चे ने लेट आना, लड़का भी बड़ा हो गया है तो चिंता ये है कि भाई वो कोई गलत कंपनी में फंस जाएगा क्या, आजकल वो गलत लोगों के साथ में दिख रहा है, लड़की बड़ी हो गई है, ज़्यादा टाइम वो फेसबुक के ऊपर देती है या डिमांड कर रही है फ़ोन के लिए, और वो उसके पास में फ़ोन दिख रहे जो अपने दिए भी नहीं है, और वो पता नहीं कहाँ से ला रही है, तो या लेट घर पे आ रही है, या फिर बच्चे घर पे लेट आते हैं, या हस्बैंड पत्नी घर पे हस्बैंड लेट आता है, कोई ऐसा ब्रेकडाउन हो गया तो पिताजी चिल्लाएंगे क्या, या पति चिल्लाएंगा क्या, या समझो बॉस ने बुलाया तो बॉस ने अभी क्यों बुलाया होगा, समझो आप जाके बैठते हैं ऑफिस में और वहाँ का प्यून आके बोलता है कि सर आपको हमारे बड़े साहब ने बुलाया, एकदम डर लगता है, बाप रे क्या हो गया, क्यों बुलाया। फिर किसको बड़े ऑफिसर के साथ में बातचीत करने के लिए डर लगता है, कोई लोगों को फोन के ऊपर डर लगता है, फोन के ऊपर वो बातचीत नहीं करते, उनको डर लगता है कैसे बोलूं, क्योंकि आमने सामने रहते नहीं है तो उनको डर लगता है कैसा बात करूं, वो क्या बोलेंगे, बोलते नहीं नहीं हम कंफर्टेबल नहीं फोन के ऊपर बात करने के लिए। कोई लोगों को ना सुनने का डर लगता है कि नहीं नहीं वो ना बोलेगा तो इसलिए मैं पूछता ही नहीं हूं, मैं बात ही नहीं करता हूं, ऐसा डर लगता है। तो कोई लोगों को असफलता का डर लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि समझो यहाँ से बॉम्बे जाने का है तो बॉम्बे में जा सकूंगा कि नहीं जा सकूंगा, बराबर कुछ हो जाएगा गाड़ी में, कुछ हो जाएगा गाड़ी को प्रॉब्लम आएगा, मेरी बैग चोरी जाएंगी, ऐसा कुछ लोगों को डर लगता है। जैसे काफ़ी सारे डर, एग्जाम के समय जाना है तो वहाँ एग्जाम के पहले डर लगता है, किसको स्टेज पे जाके भाषण करना है तो उसका डर लगता है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं कि जिसका डर हमें महकता है। अब ये डर समझो आपको निकालना है, या और ये नॉर्मल डर है, आपको ये डर निकालना है तो ये निकलेगा नहीं क्योंकि ये नॉर्मल है, सभी को आता है। तो उसको एक्नॉलेज करना, उसकी नोन लेना कि भाई ठीक है मेरे को डर लग रहा है, और एक्शन लेना जरूरी है, ये एक है। दूसरा, बहुत ज्यादा डर आता होगा तो सीधा जबान के नीचे कोई टैबलेट रखना कुछ दिन के लिए, जब जब बाहर जाना है उस समय टैबलेट रखना, जिससे कि ये धड़कन, घबराहट, बेचैनी, पसीना ये ठीक हो जाएगा और फिर आप फेस कर सकोगे। तीसरा, आप विजुअलाइजेशन करते हो, बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन करते हो, घर में इमेजिनेशन करते हो, सेल्फ हिप्नोसिस करते हैं, और उसमें कल्पना करते हैं कि ये चीज सामने आ गई तो मैं रिलैक्स हूँ, ये प्रॉब्लम सामने आ गया तो मैं रिलैक्स हूँ, ये प्रॉब्लम सामने आ रहा है तो मैं रिलैक्स हूँ। तो बार बार वो प्रॉब्लम देखना है हमने, विजुअलाइज करना है और रिलैक्स में हो गया हूँ ऐसी कल्पना करना है, प्रॉब्लम सामने आ रहा है और मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। बार बार आप ऐसा करते हैं तो 2-4 महीने में इसका फायदा आपको दिखने लगेगा और आप रिलैक्स हो जाएगा। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा मेडिटेशन आप करते हैं तो उसमें फायदा पड़ेगा, समझो 10-15 मिनट सवेरे, 10-15 मिनट शाम को। एक्सरसाइज करना, अच्छी बॉडी, तंदुरुस्त बॉडी, क्योंकि यदि बॉडी ठीक नहीं है तो हमको ज़्यादा डर लगता है क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते। ऐसा कोई फेस करना है एग्जाम, इंटरव्यू, उस समय डर लगेगा, तो फिर पहले दिन रात को अच्छा सोना, रिलैक्स, हल्का खाना खाना, बहुत ज़्यादा खाना खा के नहीं जाना इंटरव्यू को, या ऐसे कोई फेस करना है चीज़ को तो। और फिर ज़्यादा टेंशन जाके दिमाग में वो लोड लेके, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रख के नहीं जाने का। तो ये सब आप करते हैं तो आपको ये चिंता, डर, घबराहट, इससे कुछ होगा नहीं, ये तो नॉर्मल है, उसको एक्नॉलेज करो और एक्शन लो, और एक्शन लो मतलब फेस करो। जितना हम ज़्यादा ज़्यादा फेस करेंगे, जितनी ज़्यादा बार आप फेस करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपको इसमें डर लगेगा नहीं। तो काफ़ी लोगों को बीमारी है, बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा, ये बीमारी नहीं बोल सकते इसको, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। तो ये वीडियो आप ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे ना तो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और अपने जीवन में वो पावरफुल जी सकेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।